हाँ जी एवरीवन, कैसे हो सब? तो मैं हूँ आपका दोस्त एस जी। एंड आज के वीडियो में यार हम लोग ये अपनी फॉर्म वैलिडेशन देखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज का एक्सपर्ट लेवल का पहला प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन देखने वाले हैं यार, कि अगर हमारा फॉर्म जो है वो इनवैलिड रहता है तो क्या क्या कंडीशन हमें चेक करनी है, कैसे कैसे वो फुलफिल होंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे नेम की एरर आ गई, कैन नॉट बी लेस देन 6 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो नेम सही किया हमने, पासवर्ड्स डोंट मैच, पासवर्ड्स भी हमने मैच चेक कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक मेन वैलिडेशन हमारी रहती है कॉन्टैक्ट नंबर की, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपका इनवैलिड हो गया, लेस 10 कैरेक्टर्स नहीं हुआ, ठीक है। तो जब पूरा फॉर्म सही होगा तभी आप लॉग इन हो गए, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है कंप्लीट फॉर्म, इसे बनाते चलो, ठीक है। तो ये हमारी इसकी HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक div बनेगा मेन डेव के नाम से, इसके अंदर हम एक H1 टैग देंगे जो कि फॉर्म वैलिडेशन, एंड इसके बाद एक अंदर और डेव बनेगा जिसपे की क्लास होगी कंटेनर की, ठीक है। नाउ इसके अंदर अब हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म टैग है ये, जब भी हम फॉर्म्स डिजाइन करते हैं तो ये वाला टैग यूज होता है, इसके अंदर कंप्लीट फॉर्म्स डिजाइन होते हैं। क्यों डिजाइन ये वाला टैग क्यों यूज होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसका सारी वैल्यू आपको तब पता चलेगी, ठीक है। तो ये हुआ, एंड आईडी दी फुल नेम, ठीक है। ये हुआ, एक लेबल देते हैं फॉर फुल नेम, एंड इस लेवल पे क्लास लगा देते हैं लेवल की, ठीक है। इसके बाद एक लाइन ब्रेक देंगे, इसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक देंगे, देन एक स्पैन बनाएंगे जो कि एरर्स के लिए काम आएगा, जो हम एरर डिस्प्ले कर रहे थे ना उसके लिए, ठीक है। इसकी आईडी होगी फुल ठीक है। तो ये है हमारा, एंड ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है अभी के लिए। चलिए इतना सेक्शन उठा लेते हैं। ये हुआ फॉर ईमेल, पास जब हम ईमेल यूज करते हैं तो टाइप ईमेल डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा अपने आप ही पहले वैलिडेशन कर लेता है उसमें कि आपका उसमें एट द रेट है, इन है या नहीं। तो जो भी ईमेल रिलेटेड वैलिडेशंस होती है, अगर हम इनपुट टाइप ईमेल लेके चल रहे हैं तो वो अपने आप ही उसमें उन सब चीज़ों को चेक कर लेता है, हमें चेक करने की नीड नहीं होती, ठीक है। यस चलिए नेक्स्ट आएगा पासवर्ड, एंड ठीक है इसमें जो इनपुट फील्ड का टाइप रहता है वो पासवर्ड रहता है, क्यों? पासवर्ड जो होता है हमारा कभी भी शो नहीं होता, तो इसीलिए, ठीक है। तो जो इनपुट टाइप पासवर्ड होता है उसमें भी वो चीज़ें हिडन रहती हैं, अभी दिखाते हैं, ठीक है। पासवर्ड हुआ एंड पासवर्ड एरर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड एरर, ओके यस। नेक्स्ट लास्ट कौन सोचा, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, एंड दिस इज कॉन्टैक्ट टेक्स्ट होगा इसमें नंबर का। अगर नंबर का टेक्स्ट जो हमने इनपुट टाइप नंबर डाला उससे ये फायदा होगा, अगर आप इसको अपना जो आपकी वेबसाइट है इसे आप फोन पे चलाओगे ना तो उसमें आपका नंबर वाला कीपैड खुल के आएगा, ठीक है। आपको डेस्कटॉप पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा बट मोबाइल पे उसमें नंबर वाला कीपैड खुल के आएगा, ठीक है। तो ये है, ये हमारी कंप्लीट ये हो गया, यस ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें एक लाइन ब्रेक हर स्पैन के बाद और डालना है, हर एक स्पैन के बाद
एक एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं। यस डन। देन अब इसके बाद एक हमें बटन बनाना है ना, बटन ऑफ टाइप सबमिट एंड क्लास। यस ये हो गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। अब इसकी हम करेंगे स्टाइलिंग, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। नाउ अब हम देते हैं जो कंटेनर क्लास थी हमारी, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर करते हैं RGB 200, 200 विड्थ कर देते हैं 40%, ये हो गया। ओके नाउ इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं, इतनी रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारा मेन डिव था, इसका जो पेरेंट डिव था, ये वाला है ना, इस पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड एंड प्लेस आइटम सेंटर, ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया सारा। नेक्स्ट ठीक है, नाउ अब हमारे को देखना है, एक सेकेंड, इस H1 पे थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे को इनपुट फील्ड क्या थी, जो इनपुट फील्ड की एक क्लास है, सारे इनपुट फील्ड्स पे लगी हुई, ठीक है। इस पे आते हैं, प्लेस होल्डर है तो थोड़ी सी पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट दे देते हैं 7 पिक्सल्स की, ठीक है, एंड विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। यस एंड थोड़ी सी ओवरऑल पैडिंग ही रखते हैं इसमें, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नाउ ये जो था ना, इसमें हमने लेफ्ट से की जगह सारे में देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर से क्लमजी क्लमजी हो गया, नीचे से भी, तो ओवरऑल पैडिंग देंगे तो स्पेसिंग ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक हमने लेबल के लिए क्लास बनाई थी, ये है ना, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो एक सबमिट बटन करते हैं पहले, चलिए, ठीक है, क्या फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, पैडिंग 7 पिक्सल्स, आउटलाइन नन, कर्सर पॉइंटर, डिस्प्ले ब्लॉक एंड देन मार्जिन ऑटो, इससे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देन थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके यस। नाउ थोड़ा ट्रांजिशन डाल देते हैं, यस, विद -4 पिक्सल्स, यस ठीक है। थोड़ा सा कंटेनर पे भी दे देते हैं, कंटेनर पड़ा है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ऑफसेट वगैरह ज्यादा रखा है, ओके ये आ गया, ठीक है। एक चीज बची है, अब
अभी हमारे को इस एरर वाले को अपना थोड़ा सा करना है, ठीक है? जैसे ये है नाउ, इसे कैसे स्टाइल करना है? यस, ये रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट वेल फॉर्म वैलिडेशन का फ्रंट एंड हो चुका है, ठीक है? कंप्लीट है ये। नाउ इसमें जो हमारे को अभी आप देख रहे हो अगर, तो ये जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं फॉर्म रीलोड हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। एंड इसकी जो वैलिडेशन वगैरह है सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से इसका यूआई रेडी कर लो, अगले वीडियो में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और कुछ भी आप चाहिए तो यार नीचे आप मेरे को कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, या आप नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ भी मेरे से आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है? तो चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।